हेलो फ्रेंड्स अपने लास्ट वीडियो में हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और शॉर्ट मार्च के बारे में डिटेल में जाना यह आंदोलन बहुत ही सफलता से चल रहे थे जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान हो गई और उसी समय सैमन कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर बात करने के लिए लंडन में तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का डिसीजन लिया जो नाइनटीन थर्टी और नाइनटीन में होनी थी आर यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये नाम कुछ अलग सा लगता है ना किसी कॉन्फ्रेंस का तो शायद इसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉजिक था कि राउंड टेबल यानी गोल मेज पर सब लोग आमने सामने बैठकर बात कर सकें और इंडियंस को ये लगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें अपने पास बैठने का मौका दिया 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए भारत से कई दल गए पर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट मार्च की वजह से नाराज ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस के बड़े नेताओं और गांधी जी को जेल में डाल दिया था इसलिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल मानी गई तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इरविन को कहा कि कैसे भी हो भाई अब तुम गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए मनाओ तब लॉर्ड इरविन जो कि उस समय वॉयस रॉय थे गांधी जी को डेली बुलाते हैं गांधी जी बात करने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं और यही वह समय था जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी होने वाली थी और युवा ये चाहते थे कि गांधी जी इरविन से फांसी रोकने की भी बात करें गांधी जी और इरविन के बीच फिफ्थ ऑफ मार्च नाइनटीन को एक समझौता हुआ दिस पैक्ट वॉज अ पोलिटिकल एग्रीमेंट साइंड बाय महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट द कांग्रेस वुड पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस The Congress would discontinue the civil disobedience movement release of prisoners arrested for participating in the salt march removal of tax on salt allowed the Indians to produce trade and sell salt legally withdrawal of all prosecutions relating to several types of political offences in reply british government agreed to withdraw all ordinances and end prosecutions रिलीजिंग ऑल पोलिटिकल प्रेजनर्स एक्सेप्टिलमिट द पीसफुल्ड फॉर फ्री कलेक्शन और मैनुफेक्चर ऑफ सॉल्ट बायर्स लिविंग नियर द सी कोस्ट लिफ द बैन ओवर द कांग्रेस तो ये था गांधी इवनपै जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है कुछ लोग इस समझौते से बहुत नाराज थे पर गांधी जी कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंडन चले गए रिजल्ट ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और पूना पैक के बारे में हम अपने आने वाले वीडियो से बात करेंगे सो दिस वॉज ऑल अबाउट द गांधी इवन पैक्ट अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल दिल की चाबी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें